हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिजाइन पुर में। आज मैं आपके साथ एक डैप ब्लाउज डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसकी लंबाई 13.5 इंच है, चौड़ाई 10 इंच रखे हैं। शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्म होल की भी 5.5 इंच है। गले की चौड़ाई में 2.7 इंच रख रही हूँ, 2.5 इंच और 2 लाइन एक्स्ट्रा लेना है। और नीचे की साइड से 3 इंच की चौड़ाई पे एक मार्क कर देंगे। दोनों मार्क जो किए छोटे छोटे, इनको बराबर करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। गले की लेंथ लेंगे तो गले की लेंथ मैं रख रही हूँ 10 इंच के बराबर में। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना डीप चाहते हो उतना ले लीजिएगा। अब यहाँ से गले की डिज़ाइन का मार्क कर देंगे। तो मटके से अपने गले की मार्किंग कर रही हूँ, मार्क हो चुका है। सेम इसकी कटिंग कर देंगे मार्किंग के ऊपर से ही। अब जो ये मैंने कटिंग कर दी गले की, इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेंगे और दोनों को इक्वली वाले बराबर में रख लेंगे। और इसके बाद गले की भी कटिंग कर देंगे जैसे अस्तर की है। ठीक, कटिंग करती हूँ, मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। अब इसकी स्टिचिंग करने के लिए दोनों फैब्रिक को साथ में रख लिए हैं। अब इसको ऊपर से एक सिलाई लगाते हैं, गले की दोनों पार्ट को अस्तर और फैब्रिक दोनों को अटैच कर देंगे एक साथ में ही। ठीक, मैंने अटैच कर दिया। इसी गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे, कट जो फैब्रिक स्टिच करने के बाद थोड़ा सा बचा उसमें कट लगाना है। अब इसको पलट कर सीधा करेंगे। कट लगाने से अब ये जो पलट कर सीधा करेंगे तो बिल्कुल बराबर में गले के शेप एंड साइज में आ जाएगा। इसके ऊपर से सिलाई लगाते हैं, इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे। गले की डिज़ाइन उभर कर दिखने लगेगी। ठीक, देख लीजिए गला उभर कर आ चुका है। अब इसके साइड साइड से भी दोनों फैब्रिक को एक साथ में अटैच कर देंगे सिलाई लगाते हुए। तो मैंने दोनों फैब्रिक को साथ में अटैच कर दिया है। अब इसके नीचे के साइड टक्स लगाएंगे तो बराबर मेजरमेंट लेते हैं, माप लेते हैं, फिर टक्स को स्टिच करना है। तो मैंने ये माप लेती हूँ शोल्डर के साइड से, नीचे के साइड से टक्स को लगा दिया। इसी तरीके दूसरे साइड से माप लेते हैं, टक्स को लगा देंगे। ये दोनों साइड से टक्स बनाने के बाद नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए मैं अलग से फैब्रिक यूज़ करूँगी, अस्तर की पट्टी कट करके और नीचे के साइड से ब्लाउज के पहले अटैच कर देंगे इसको। ये अटैच हो चुकी है पट्टी, इसको फैलाएंगे, इसके ऊपर से सिलाई लगाते हैं, इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करना है। फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाते हैं, इसके ऊपर फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देनी है। ये देख लीजिए, ये मैंने पट्टी पर नीचे का बॉर्डर भी कम्प्लीटली बना लिया है। अब इसके गले पर डिज़ाइन करनी है तो ब्लाउज साइड रखते हैं और डिज़ाइन करने के लिए मैंने पट्टी कट की है। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके मीडियम साइज की डोरी बना लेंगे इसकी। तो डोरी की स्टिचिंग मैंने कर दी, इसको पलट कर सीधा मैं करूँगी। नीडल की हेल्प लेते इसको पूरा अच्छे से पलट कर सीधा कर देंगे। ये सीधा हो चुकी है डोरी, देख लीजिए डोरी बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। इसको मैं साइड रखूँगी। और मैंने देखिए ये पेपर पेस्टिंग कट किया है, इसकी चौड़ाई जो रखी है वो 8.5 इंच है, लंबाई 5 इंच के बराबर में। इसको डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और पहले एक साइड से इसको इस तरीके से राउंड में मार्क कर देंगे। अब ऊपर की साइड से देखिए 2.5 इंच के पे एक इसकी गैपिंग का मार्किंग करेंगे और 1 इंच और 1 इंच के बराबर में इसकी पूरी इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे ऊपर नीचे करते हुए। दोनों साइड से 1-1 इंच का गैपिंग रहेगा। ठीक, देखिए पूरा मैंने इसकी मार्किंग कर दी, कटिंग कर देंगे इसी तरीके से। लंबाई जो रखेंगे डिज़ाइन की वो 1.5 इंच रहेगा, चौड़ाई 1 इंच रहेगा। इसकी कटिंग करने के बाद इसके साथ में मैंने 2 अस्तर यूज़ किया है क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा ट्रांसपेरेंट है और ऑर्गेंजा फैब्रिक है। और फिर फैब्रिक लिया, पहले फैब्रिक रखेंगे फिर अस्तर रखेंगे, फिर उसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर ही एक अस्तर रखेंगे। फिर इसके ऊपर से पेपर पेस्टिंग रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। अगर आपका फैब्रिक ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको सिर्फ 1 अस्तर यूज़ करना है। तो पहले मैंने नॉर्मली देखी तीन इनको फैब्रिक को और पेपर पेस्टिंग को अच्छे से स्टिच कर दिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें से कट करके पूरा निकाल देंगे। जिस तरीके से डिज़ाइन था उसी तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। ऊपर के दोनों साइड से सिलाई लगा के इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अब इसके जितने भी कॉर्नर है सब में अच्छे से कट लगा देंगे और जो कॉर्नर ये डिज़ाइन के भी इसके भी कट कर देंगे। अब इसको पलट कर सीधा करेंगे, तो सॉरी कॉर्नर को अच्छे से पलट कर सीधा कर लीजिएगा।
ये देख लीजिए, मैंने अच्छे तरीके से पूरे कॉर्नर जितने भी बने थे सबको अच्छे से सीधा कर दिया। इसके ऊपर से सिलाई लगाते हैं, इसके ऊपर फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे, इससे डिज़ाइन जो उभर कर दिखने लगेगी। अब इसके साइड साइड से जिस तरीके से बकर में कटिंग किए थे फिर स्टिंग की, उसी तरीके से सिलाई लगा लीजिएगा। मेरा वो वीडियो कट गया इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। ऐसे आपको सेम बना लेना है कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक, और फिर ये न्यूज़पेपर लेंगे और इसके साथ में न्यूज़पेपर को रख देंगे। और जो डोरी बनाई थी डोरी से अब इस पर डिज़ाइन करेंगे। वीडियो में देखिए मैं डोरी ले रही हूँ, डोरी के दोनों कॉर्नर को पहले पकड़ लेंगे और फिर इसके बीच का पार्ट लेंगे, मिड पार्ट इसका, और यहाँ से अटैच कर देंगे। पहले इसको सिलाई लगा के डिज़ाइन के साथ में अटैच कर दीजिएगा, फिर इसका चेन बनाएंगे। तो चेन कैसे मैं बना रही हूँ वीडियो में देखिए क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आपको घुमाते हुए इसका चेन पूरा बना लेना है। अब यहाँ से फैब्रिक रख देंगे ऊपर से, फिर सिलाई लगा के उसको अटैच कर देंगे फैब्रिक के साथ में, और एक्स्ट्रा डोरी कट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से जो दो कॉर्नर बचे हुए उन पे भी सेम चेन बना लेंगे। ये लास्ट का कॉर्नर है मेरा, एक मैंने बीच में बना लिया है, और इसको अंदर के साइड इस तरीके से डालेंगे, फिर चेन बनाते हुए इसको अटैच कर देंगे फैब्रिक के साथ में। एक्स्ट्रा डोरी कट करके निकाल देंगे, देखिए डिज़ाइन बन चुकी है। न्यूज़पेपर इसमें से पूरा रिमूव कर देंगे। अब जो मैंने डिज़ाइन बनाई है आपको समझ में आ गई है कि पहले इसको साइड रखते हैं, और मैंने देखिए कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट के इनकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच के बराबर रखा है। इनको इस तरीके से क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे, फिर नीचे के साइड से फोल्ड करते हुए इनका फ्लावर बना लेंगे। इसी तरीके से 3 फ्लावर बनाने हैं। ये 3 फ्लावर कम्प्लीटली बन चुके हैं। अब निडल लेंगे, और ये मैंने छोटी वाली मोती ले ली है, निडल में थ्रेड डाल के ले लीजिएगा, और फिर इसको पलट देंगे इसे कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए। और इसके जो डोरी है इसी में निडल की थ्रेड में ही इसमें मोतियों की बुनाई कर लेंगे। एक मैंने देखी 11 मोती रखी है। अब इसको जो अटैच कर देंगे यहाँ से, बीच वाले में आपको 11 से 12 मोती लेनी है, और साइड साइड वाले में 9 से 10 मोती लेनी है। मैंने पूरा अच्छे से डिज़ाइन बना लिया है इनको फ्लावर वाले। अब ये जो मैंने चेन वाले डिज़ाइन बनाई इसमें बड़ी वाली मोती देखिए टक कर रहे हैं, इसी तरीके से सब में टक कर लेंगे। तो मैंने कम्प्लीटली पूरा टक कर दिया। अब लेस ले लिया, लेस की इसके साइड साइड से जिस तरीके से डिज़ाइन है उसी तरीके से लेस को फोल्ड करते हुए स्टिच कीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने पूरा अच्छे से लेस को एक साइड से अटैच कर दिया, दूसरे साइड से भी लगा दिया है। अब इसको ब्लाउज के साथ में अटैच करेंगे, तो बिल्कुल बराबर ब्लाउज के साथ में इसको अच्छे से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। तो ब्लाउज साथ में डिज़ाइन को अटैच कर दिया, इसकी डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ से लेस यूज़ करूँगी। ये लेस ले लिया, लेस को बिल्कुल गले के कॉर्नर से रखेंगे, सिलाई लगाते हुए अच्छे से लेस को पूरा गले पे अटैच कर देंगे। ये देखिए स्टिच हो चुकी है लेस मेरी। ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ही इजी और सिंपल सी डिज़ाइन थी। अगर डिज़ाइन अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।